साथियों, ये 2018 का प्रारंभिक काल है। मैं आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भवन में भी ये अधिकृत पहला कार्यक्रम है। 7 दिसंबर को इसका लोकार्पण किया था, लेकिन अधिकृत कार्यक्रम पहला है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस महापुरुष के नाम से ये भवन जुड़ा हुआ है और जिनके चिंतन पर वैश्विक स्तर पर चिंतन हो ये अपेक्षा है, उस भवन में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। क्योंकि बाबा साहब जीवन भर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। हमारा संविधान भी उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अब सामाजिक न्याय वह सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित रहने से होता नहीं है, क्षेत्र विशेष का भी पीछे रह जाना एक अन्याय का कारण होता है। कोई गांव पीछे रह जाए तो वो सिर्फ एक गांव एक एंटिटी के रूप में पीछे, ऐसा नहीं है। वहां रहने वाले लोग, उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनके हक, उनके अवसर, इन सब में वो अन्याय का शिकार हुआ होता है। और इसलिए 115 जिले, उसका विकास उस बाबा साहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बनेगा। और उस अर्थ में इस भवन में ये पहला कार्यक्रम और इस विषय पर कार्यक्रम, मैं समझता हूं कि एक शुभ संकेत है। आप 2 दिन से विचार विमर्श कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में अगर एक बार हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बैंक राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी 30 करोड़ लोग व्यवस्था से अछूते रह जाएं, लेकिन एक बार ये देश ठान ले, ठीक है, चला चला, जैसा गया गया, बीता बीता, अब नहीं चलेगा, और जनधन अकाउंट एक जन आंदोलन बन जाए और देश का आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को अर्थव्यवस्था की मेन स्ट्रीम का हिस्सा महसूस करने लगे, ये इसी देश ने, इसी सरकार के मुलाजिम ने, इसी बैंक के लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है और समय सीमा में करके दिखाया। हम कहते तो थे कि टॉयलेट होने चाहिए, कार्यक्रम चलते थे, बजट बनता था, रिपोर्टिंग भी होता था, प्रोग्रेस भी होता था, ग्राफ बता देते थे कि पहले इतना था, इतना पहुंचे, संतोष भी होता था कि पहले हम साल में 5 कदम आगे बढ़ते थे, अब हम साल में 6 कदम बढ़ते हैं, 7 कदम बनते हैं। शायद हमारे संतोष प्राप्त करने के तरीके भी
सेट हो चुके थे। हम समाधान ढूंढने के रास्ते भी बड़े समाधानी तरीके से खोज लेते थे और समस्या हर बार सामने आके खड़ी रहती थी। बच्चियों का ड्रॉप आउट क्यों है? तो टॉयलेट नहीं है। सैनिटेशन की समस्या क्यों है? टॉयलेट नहीं है। लेकिन एक बार ठान लिया भाई एक समस्या से बाहर निकलना है, सबको सेंसिटाइज करना है और सामान्य रूप से एक साल में औसत जितना काम करते हैं इससे अनेक गुना काम इसी टीम ने, इसी व्यवस्था ने, इसी नियमों के तहत करके दिखाया और 4 लाख से ज्यादा स्कूलों के अंदर टॉयलेट बनाने का काम पूरा किया और रियल टाइम मॉनिटरिंग हुआ। हर किसी ने फोटो निकाल करके अपलोड किया और कोई भी उसको देख सकता था। इसी देश ने, इसी देश की यही सरकारी व्यवस्था ने ये करके दिखाया। 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाना, अगर सामान्य स्तर पर पूछताछ करते हैं तो अफसरों से यही आता था साहब इतना काम करना है तो 5 साल 7 तो लगेंगे, लेकिन जब चुनौती के रूप में उनके सामने आया कि 1,000 दिन में 18,000 गांव में जाना है, बिजली पहुंचानी है, यही व्यवस्था, यही नियम, यही फाइल, यही परंपरा, यही टेक्निक, यही तरीके, इसी टीम ने 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक कर दिया। सॉइल टेस्टिंग नया विषय था, किसान इन चीजों से परिचित नहीं था। इससे लाभ से भी सीधा उसको कुछ पता नहीं था कि इससे कोई लाभ मिलता है, लेकिन एक बार कहा कि भाई सॉइल टेस्टिंग करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने हैं, उनको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, यही व्यवस्था, यही टीम, यही लोग ठान लीवन में शायद जो टारगेट किया था उसके पहले पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे रिपोर्ट बताया जा रहा है। मैं इन चीजों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम अपार क्षमता के धनी हैं, हम अपार संभावनाओं के युग में इस व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं और हम अपार अवसरों के जन्मदाता बन करके अप्रतिम सिद्धियों के जन्मदाता भी बन सकते हैं। ये मैं स्वयं आप सबके बीच रहते रहते अनुभव कर रहा हूं, सीख रहा हूं और मेरा विश्वास मजबूत होता चला जा रहा है। और उसी में से बात आई जनरल वे में तो चीजों की चिंता कर लेते हैं और कभी कभी लगता है कि चलो हो जाएगा। मैं नहीं मानता हूं कि कोई सरकार किसी समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत इतना पीछे है ये पढ़ करके सुन करके पीड़ा नहीं होती, हर एक को ही होगी। हर किसी ने सोचा होगा कि भाई ये कब तक चलेगा, दुनिया की नजरों में हम पीछे कब तक रहेंगे। और एक बात निश्चित है कि आज वैश्विक परिवेश में हमने भारत की पोजीशनिंग भी उस रूप में करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है, उसमें एक बट्स है ही नहीं, करनी ही पड़ेगी। तब जाकर के विश्व का जो माहौल बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है, वो आकर्षण भारत के लाभ में परिवर्तित हो सकता है, अवसर में परिवर्तित हो सकता है। और उसी एक विचार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कमियां है आइडेंटिफाई की, क्या रास्ते खोजे जा सकते हैं, एक छोटा सा वर्कशॉप किया, सिस्टमेटिक 1 कदम 2 कदम 3 कदम, सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया उनको सेंसिटाइज किया, सभी चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया उनको सेंसिटाइज किया, डिपार्टमेंट में वे आउट के लिए रास्ते खोजे, काफी होमवर्क किया और फिर उसको रोल आउट किया और उसका परिणाम ये आया
कि दुनिया में किसी देश को एक साल में इतना बड़ा जंप लगाने का अवसर नहीं मिला जो हम लोगों को मिला, हिंदुस्तान को मिला। और हम 2014 में 142 नंबर पर यात्रा शुरू की थी, 2017 में 100 पर पहुंच गए, 42 अंक आगे बढ़ना। ये किसने किया? किसी अखबार के एडिटोरियल से नहीं हुआ, किसी टीवी पर नेता की तस्वीर दिखाई दी इसलिए नहीं हुआ, किसी नेता ने बहुत बढ़िया लच्छादार भाषण कर दिया इसलिए नहीं हुआ। ये हुआ है आपके प्रयासों से, आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से हुआ है। आप यानी मेरे देश की एक टीम, और इसी के कारण एक विश्वास पक्का होता है कि हम अगर समस्या को जड़ से पकड़े और रास्ते खोजे, और ये बात सही है, ऊपर से नीचे हुई थोपी हुई चीजें जीती तो रहती हैं लेकिन जान नहीं होती है, और जान नहीं है तो फिर न उसकी कोई पहचान बनती है न उससे कोई परिणाम प्राप्त होता है। आज कोशिश ये है कि आप वो लोग हैं, यहां निर्णय करने वाले सब लोग वहां से गुजरे हैं, जहां आप हैं वहां से गुजरे हैं, लेकिन उसके बीच में 15-20 साल 25 साल का फासला हो गया है, और तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज एस्पिरेशंस बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है, उसको आप भली भांति जानते हैं क्योंकि आप उस परिस्थितियों से गुजारा कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं क्या करूं। जिस सपनों को लेकर के मसूरी गया था उन सपनों को क्या मैं इस समय पूरा नहीं कर पाऊंगा, और बाद में तो शायद 5-7 साल के बाद ऐसी जिम्मेवारियां बदल जाएगी शायद करने की ताकत भी नहीं रहेगी। आज ये सबसे बड़ा अवसर ये है, आप क्या सोचते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, रोड मैप बनाते समय आपका अपना अनुभव ये प्राथमिक कैसे हो। और जो आपके प्रेजेंटेशन मैंने देखे उसमें मुझे वो चीजें दिखाई दे रही, मैं फील कर रहा हूं कि हाँ यार इसको बराबर समझ है कि बाकी सब ठीक है, बजट है, दिखना है, फलाना है, लेकिन समस्या यहां है, इस समस्या का समाधान कोई करेगा तो रास्ता खुल जाएगा। आज मैं देख रहा था कि आपके प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसको कहेंगे वो महसूस कर, मैं ये भी महसूस करता था आपके प्रेजेंटेशन में फेथ इन कन्विक्शन, आप जिस कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे उसमें आपका अपार आत्मविश्वास नजर आ रहा था। और मैं सिर्फ जो बोल रहे थे उनको देखता था नहीं, मैं स्लाइड भी देख रहा था और साइड में खड़े लोगों को भी देख रहा था, हरेक की आंखों में मैं चमक चमक अनुभव कर रहा, न्यू इंडिया मुझे उसमें नजर आ रहा। और इसलिए ये जो एक सामूहिकता का भाव है हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे तो परिस्थिति पलटी जा सकती है। अब मनुष्य का स्वभाव है, मैं सार्वजनिक जीवन पर काम करके आया हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन ये मेरी जिंदगी का काफी समय मैंने उसी में बिताया है, तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि जो सरल हो वो सबसे पहले करता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे मास्टर जी भी बताते थे कि साहब एग्जाम में जब 3 घंटे पेपर लिखना होता है जो इजी क्वेश्चन उसको पहले हाथ लगाओ, तुम उसको पहले पूरा करो, कठिन उसको बाद में देखना। और इसलिए हमारा डेवलपमेंट ही ऐसा हुआ है कि सरल से पहले चलो, और सरल से चलते 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 हम चैलेंज तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, और वहां से तो हम शिफ्ट हो जाते हैं। और इसलिए सब लोग को सरल 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 दुनिया में रहते हैं आवश्यकता है, और कभी कभार डिपार्टमेंट को भी लगता है, यहां जो बड़े बड़े अफसर बैठे होंगे कि भाई एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया ये अचीवमेंट करना है, एमएसएमई में ये अचीव करना है, इंडस्ट्रियल में ये अचीव करना है, तो चलो भाई कौन राज कर सकते हैं उसको, उनको जरा पंपिंग करो वो कर लेंगे, तो उनका एवरेज बढ़िया निकाल आता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या बनी,
जो करते हैं उन पे बोझ डालते रहो, उन्हीं से करवाते रहो, और हम अपने जो नेशनल लेवल के गोल हैं, फिगर्स हैं, उसको बराबर मेंटेन करो। उसमें बजट खर्च नहीं हो रहा यार, मुझे मालूम है, मैं जब मुख्यमंत्री था मुझे पहले शुरू में बेनिफिट नहीं मिलता था, पानी कमीशन हुआ करता था तो हमारे नंबर बहुत आखिरी रहता था, लेकिन मैं इस टेक्निक को सीख गया था। तो मैं जनवरी महीने से बराबर ध्यान रखता था कि देखो भाई किस स्टेट में बजट खर्च नहीं हुआ और इनकी परेशानी कहाँ है खर्च करने की, तो मैं ढूंढ के निकालता था कौन कौन खर्च करने की चिंता कर रहा है, और फिर मेरे अफसरों को भेजता था कि भाई देखो यहाँ यहाँ जगह खाली है, तुम हाथ लगा लो। मैं देखता था कि जो मुझे बिगिनिंग में नहीं मिलता था वो आखिरी में बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाता था, क्योंकि परफॉर्म करने वाले जहां गुड गवर्नेंस होता है वो स्टेट परफॉर्म करने की आदत भी रखते हैं। मैं समझता हूं सोच से बाहर आना है, चाय मीठी हो दो चम्मच और चीनी डाल देंगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चीनी कंज्यूम हुई हुई हिसाब किताब बराबर है, लेकिन जिस चीनी में जिस चाय में चीनी नहीं है अगर वहां पहुंचाएंगे तो हो सकता है उनकी सुबह भी बड़ी मधुर हो सकती है। और इसलिए ये जो 115 डिस्ट्रिक्ट पर ध्यान केंद्रित किया है उसमें ये भी किया कोशिश की है हर राज्य से एक डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम दिया जाए, कितना ही फॉरवर्ड स्टेट हो बहुत ही प्रगतिशील स्टेट हो वहां भी कोई ना कोई इलाका पीछे रह जाता है, और वो फिर साइकोलॉजिकली इतना बैक पीछे रह जाता है कि किसी अफसर को वहां अपॉइंटमेंट हो जाता है, अच्छा तुझे ये मिला ये डिस्ट्रिक्ट, बस वहीं से उसका बेचारे का दिमाग वहीं से ढीला हो जाता है और उसकी मन की स्थिति वही बन जाती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट को कभी अवसर आता ही नहीं है जी, फिर जाएंगे अफसर भी बेमन जाएंगे, टीचर भी होगा तो रुकेगा नहीं चला आएगा, सरकार भी कुछ बोलेगी नहीं यार कोई है नहीं, चलो नाम मात्र के है तो सही, उसको क्या पनिशमेंट करेंगे क्या एक्शन लेंगे, इसलिए फिर एक एक साइकोलॉजी बन जाती है यार चलो समय निकाल दो, और उसके कारण ये वही रह जाते हैं। दूसरा जो डेवलपमेंट की के साइंस को जानते हैं ये तो अच्छा लगता है कि जो डेवलप हो रहा है आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सीमा के बाद जो डेवलप नहीं हुआ है वो उसको पुल करता है नीचे लाने, और तब स्थिति संभालने के लिए 5-5, 7-7 साल चले जाते हैं व्यवस्था को। ये सैचुरेशन पॉइंट कभी भी नहीं आने देना चाहिए कि जहां पीछे रहने वाले इतने पीछे हो जाएं कि आगे बढ़ने वालों को पीछे लाने के काम में ही उनकी ताकत खप जाए और मैच हो ही ना पाए, फिर वो स्टेट उभर नहीं सकता। इस स्थिति को बदलने का तरीका यह था कि क्या हम समस्याओं से कुछ मुक्ति दिला सकते हैं क्या। अब आपने कई स्ट्रेटेजी बनाई है, हर डिस्ट्रिक्ट की समस्या एक प्रकार की नहीं है, भारत विविधताओं से भरा हुआ है, हर एक की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, हर एक के अपने अपने अवसर भी हैं, लेकिन जहां पर ये 5 या 6 पैरामीटर अगर हमने लिए तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है तत्काल उस पर फोकस कर करके एक बार उसको अचीव कर लिया जा सकता है क्या। ये जरूरी इसलिए होता है, 5 लाख इन क्षेत्रों में काम करने में आपको भी अनुभव आता होगा, आप कितने ही उत्साही क्यों ना हो, कितने ही कमिटेड क्यों ना हो, कितने ही डेडिकेटेड क्यों ना हो,
लेकिन आपके दफ्तर में 5-10 लोग को मिल ही जाएंगे। अरे साहब यहाँ कुछ होने वाला, आपके कार में आप नए हो, आपको मालूम नहीं, वो इतना ज्ञान परोसता है आपको। और इसलिए इस साइकी को बदलने के लिए सक्सेस स्टोरी होना बहुत जरूरी होता है। ये सक्सेस स्टोरी उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता है। अच्छा यार हो सकता है। आप लोगों की पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस निराशा की गर्त में डूबी हुई उस व्यवस्था को एक आशावान व्यवस्था में कैसे परिवर्तित कर सकते, और उसके तरीके क्या हो सकते हैं। और एक तरीका जैसे मैंने होता है, एक लोगों के हैंगिंग फ्रूट को अचीव करके दिखाइए उनको, तुरंत देखो भाई आप ही लोगों ने किया, आप ही के द्वारा हुआ, हो सकता है चलो ये कर लेंगे। दूसरी एक बात यहां आई है, लेकिन वो इतना सरल नहीं होता है। एक होता है जो जन आंदोलन की चर्चा है, जन आंदोलन कहने से जन आंदोलन खड़ा नहीं होता है। बाइंडलार नेगेटिविटी में जन आंदोलन की संभावनाएं बहुत स्पार्किंग पॉइंट रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव के लिए आपको पहले कोर टीम को एजुकेट करना पड़ता है। मीटिंग ऑफ माइंड ये बहुत आवश्यक होता है। धीरे धीरे एक लेयर, दो लेयर, पांच लेयर, सात लेयर, जो आप सोचते हैं वही वो सोचे, ऐसी एक व्यवस्था के तहत टीम खड़ी करना। आखिरकार ये 2 दिन का वर्कशॉप क्या था, वो यही था कि जो ये भारत सरकार में बैठे हुए लोगों की टीम के मन में विचार आया है, वो विचार और आपके विचारों के बीच में मेल होना चाहिए। 2 कदम इनको हटना पड़ेगा, 2 कदम आपको बढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मीटिंग ऑफ पॉइंट तय करना पड़ेगा, मीटिंग ऑफ माइंड बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो एकदम से क्लिक कर जाएगा। ये 2 दिन की एक्सरसाइज आपको ज्ञान परोसने के लिए नहीं थी। आप कुछ नहीं जानते हैं और यहां जो बैठे हैं उन्हीं को सब ज्ञान है और वही आपको सिखा देंगे, ये नहीं था। आपके पास जो अनुभव है, ताजा स्थिति है, उसको ऊपर के लोग भी समझे और नीतियां बनाते समय, व्यूहरचना बनाते समय इसको इनकॉर्पोरेट करें। और इसलिए जैसे ये वर्कशॉप का अपना महात्म्य है, क्या आप अपने यहां डिस्ट्रिक्ट में तहसील इकाई कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट इकाई कर सकते हैं, वैसा ही एक चिंतन का कार्यक्रम और वहीं लोकल बताओगे क्या हो सकता है, हमारी क्षमताएं क्या है, हमारी मर्यादाएं क्या है, ठीक है चलो यार चलना है कैसे चलते हैं। ये अगर आपने पहला कर लिया तो हो सकता है कि बाद में इस चीजों को, क्योंकि जब तक आप क्या करना चाहते हैं उससे अधिक लोगों को परिचित नहीं करवाएंगे, उसको कोई आनंद नहीं है, वो जुड़ेगा ही नहीं। मान लीजिए एक कमरे के अंदर कोई सज्जन है और उस कमरे के दरवाजे पर एक छोटा सा छेद कर दिया और उनका हाथ बाहर निकाला और लोगों को कहेंगे कि आइए शेक हैंड कीजिए, कतार में खड़े रहेंगे शेक हैंड, मुझे बताइए क्या होगा, कल्पना कीजिए। कमरे में कोई बंद है, दरवाजा बंद है, दरवाजे में एक छेद है, हाथ बाहर लटका हुआ है और आपको कतार में खड़ा है, हाथ में लगा है, क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आपको बताया जाए अंदर सचिन तेंदुलकर है, इनका हाथ है, कैसा फर्क पड़ जाए एकदम से, है हाथ मिलाने का तरीका, थोड़ी उष्मा आ जाएगी, देखा नहीं आपने, आपको बताया गया। जानकारियों की ताकत होती है जी। अगर आप जिसको काम में लेना चाहते हैं उसे पता हो भाई ये है और यहां पहुंचने वाले हैं, तुम कल्पना करो तुम्हारे बेटे के बेटे जब देखेंगे तो क्या कितना बड़ा शान से गर्व करेंगे, वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। जन भागीदारी से नहीं, आप जब तक लोगों को जोड़ने की सिस्टमेटिक स्कीम नहीं बनाओगे। स्वच्छ भारत अभियान मीडिया ने बहुत सकारात्मक रोल किया, उसका एक असर है, ऊपर से नीचे टीम ने फिजिकली उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया, इसका एक
नेचुरल इम्पैक्ट आया है और हर कोई स्वच्छता के अंदर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। और आपने देखा होगा स्वच्छता के अभियान की सफलता के मूल में मैं सबसे बड़ी ताकत देख रहा हूं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक प्रकार से उसके एम्बेसडर बन गए हैं। घर में भी दादा होंगे कुछ करते हैं तो कहते हैं दादा ये मत करो, मोदी जी ने मना किया है। ये जो ताकत है मैसेजिंग की वो बदलाव लाती है। हम समाज के, अब जैसे मान लीजिए हम कुपोषण की चर्चा करें कि सुपोषण की चर्चा करें, हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोले कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोले, देखिए साइकोलॉजिकली बहुत फर्क होता है। हमने हमारी शब्दमाला सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। वे भी पूरी देर हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कारण बन जाती है। अगर वो हम करते हैं तो आप देखिए आपके अगल बगल में भी उसका प्रभाव नजर आता है। मुझे बराबर याद है मुंबई में हमारे एक मित्र थे, उनका एक स्वभाव था, हमसे आयु में बड़े थे, अब गुजरात के लोगों को और शायद देश में भी मिलते ही तो कैसे हो तबीयत कैसी है पूछने का स्वभाव होता है। अगर उनको पूछ लिया तबीयत कैसी है तो पहली 10 मिनट नहीं नींद नहीं आती है ऐसा होता है, उतना मजा आता था उनको कहने में। तो हम जो उनसे परिचित लोग थे उन लोगों ने एक दिन तय किया ये जब मिलेंगे तब बातचीत की शुरुआत कहां से करेंगे। हमने तय किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल तय किया और मिलते ही वाह अरे रमेश भाई बहुत बढ़िया दिखता है आजकल, तो एकदम तबीयत बहुत अच्छी लगती है, एकदम चेहरे पर भी चमक देती है, ऐसा माहौल बदल गया। उन्होंने रोते पीटते बात करने का स्वभाव करीब करीब उनका छूट गया। हम सकारात्मक चीजों से अपनी बातों के नैरेटिव्स को, कुपोषण की चर्चा काम आएगी कि सुपोषण की चर्चा के काम आएगी आप खुद अनुभव करते होंगे कि हम किस दिशा में जाएं। देखिए आशा वर्कर ये शब्द की अपनी एक ताकत बन गया, वो लेडीज वहां काम कर रही है क्या कर रही है वगैरह, लेकिन शब्द ऐसा है कि लोग कहते हैं हाँ यार कुछ मेरे लिए है। हमने सामान्य जन से जुड़े हुए से नैरेटिव, हर भाषा के अलग होंगे, एक ही शब्द हमारे देश के हर इलाके में नहीं कह सकता, लेकिन हमने लोकल इस प्रकार के चीजों को डेवलप करना चाहिए। दूसरा मान लीजिए हम कुछ कुपोषण की चर्चा करते हैं, क्या कभी सुपोषण के काव्य स्पर्धा हो सकती है? अब आपको लगेगा कि पेट में गए बिना सुपोषण कहां होने वाला है, ये मोदी कविता करवा रहा है, लेकिन आप देखिए स्कूलों में टीचर में मन करेगा कि सुपोषण से लेकर के कविताएं कैसे लिखूं। कोई नाट्य प्रयोग हो सकता है क्या सुपोषण का? मुझे बराबर याद मैं एक बार एक आंगनबाड़ी में गया तो वहां बच्चों ने प्रयोग किया 15 मिनट का, कोई टमाटर बन करके आया, कोई गाजर बन करके आया, कोई गोभी बन करके आया, और फिर वो आकर के डायलॉग बोलता था कि मैं गाजर हूं, गाजर खाने से ये होता है। उन सारे बच्चों को पता चला हाँ गाजर खाना चाहिए। अब माँ कितना ही करे वो हाथ नहीं लगाता था, लेकिन स्कूल में बच्चों ने कहा तो घर जाकर के मांगने लगा माँ गाजर खाऊंगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जन आंदोलन खड़ा होता है अच्छे स्लोगन की कंपटीशन, हम लोगों को जोड़ सकते हैं क्या? शुरू में वो सुपोषण नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक मोमेंटम बनता है। और फिर मान लीजिए हम करें तिथि भोजन, हम उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिले, उनको कहें कि आपके परिवार में किसी का जन्मदिन आता है, किसी की शादी की सालगिरह आती है, किसी की पुण्यतिथि आती है, आप उस दिन कुछ न कुछ खाना पका करके खुद आइए, आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ बैठिए, खुद परोसिए। अब देखिए साल भर में 70-80 दिन तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको, उसको भी संतोष मिलेगा कि भाई आंगनबाड़ी के 40 बच्चों को जाकर के आज मैंने ये खिला दिया।
एक ऐसा माहौल बनेगा, अब बदलाव देखेंगे। अब हम स्कूल ड्रॉप आउट देख रहे हैं, कभी आंगनवाड़ी के बच्चों को टूर प्रोग्राम होता होगा, कुछ जगह पे होता है जहां इस प्रकार के एक्टिविटी है, वहां तो क्या करते हैं, नदी में टेंपल में बच्चों को ले जाएंगे, नदी है तो नदी के किनारे पे जाकर के खड़े रखेंगे, तो बगीचा होगा तो वहां ले जाएंगे। क्या कभी ऐसा तय कर सकते हैं महीने में एक दिन आंगनवाड़ी के बच्चों को लेकर के वहां की प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, उन प्राइमरी स्कूल के बच्चों को देखेंगे खेलते हुए, उनके साथ खेलना होगा, और हो सके तो उस दिन का मिड डे मील आंगनवाड़ी के बच्चों का उन बच्चों के साथ हो जाए। उस आंगनवाड़ी के बच्चे के मन में भाव जगना शुरू हो जाएगा कि मुझे अब आगे स्कूल में आना है, मुझे अब तो यहाँ आना है, ये अच्छी स्कूल है, बड़ी स्कूल है, अच्छा मैदान है, अच्छा खेलते हैं। चीज छोटी होती है, बदलाव शुरू होता है। मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, शायद आप लोगों को पता हो, मैं किसी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के लिए मुझे बुलाते हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मैं कॉन्वोकेशन में आऊंगा लेकिन मेरे 50 स्पेशल गेस्ट होंगे, उनको आपने फ्रंट रो में बिठाना होगा। तो है प्रधानमंत्री कहेगा तो कौन मना करेगा, और उनको भी लगता है हो सकता है ये बीजेपी के लोगों को बुलाने वाले होंगे, ऐसा ही सोच तो यही है, मर्यादा तो वही है। फिर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट की स्कूल जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे 50 बच्चों को आप कॉन्वोकेशन में लाकर के बिठाइए। और फिर मैं कॉन्वोकेशन के बाद उन बच्चों से बात करता हूं, मैं देखता हूं उन बच्चों को भी, जब कोई ये गाउन पहन कर जाता है, टोपी पहन कर जाता है, प्रमाण पत्र लेता है, उन बच्चों के मन में एक संस्कार होता है, यहां कभी मैं भी बन सकता हूं। एक काम जो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं कर सकता है, सीइंग इज बिलिंग, उस बच्चे के मन में एक एस्पिरेशन पैदा होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहां के जन सामान्य के अंदर एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को आइडेंटिफाई हम करें। नए एस्पिरेशन जगाने के लिए मैं नहीं कह रहा, पड़े हैं और उसको हम चैनलाइज करें। हम इस प्रकार से जन भागीदारी से चीजों को कर सकते हैं। हमारी जितनी स्कीम है, क्या स्कूल के अंदर सुबह जब असेंबली होती है, हर स्कूल में होती है, वे बताइए हमारे 2022 के टारगेट के ऊपर आज कौन बोलेगा, हेल्थ पर कौन बोलेगा, न्यूट्रिशन पर कौन बोलेगा, हर दिन 10 मिनट कोई न कोई बच्चा किसी ने एक सब्जेक्ट पर बोलेगा, हवा में विषय फैलते चले जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम इन चीजों को जन सामान्य से जोड़ेंगे देंगे, हम परिणाम को प्राप्त करेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं हमने मान लीजिए अपने 6 टारगेट पॉइंट है, एक जगह पर एक अच्छी तरह हो जाएगा, दूसरी जगह पर दूसरा अच्छा होगा। ये 6, 10, 15 जो भी चीज तय करें, कहीं ना कहीं मॉडल के रूप में डेवलप कर सकते हैं Within 3-4 months, और लोगों को फिर ले जाए, देखो भाई आइए ये देखिए कैसा होता है, आप भी यहां हो सकता है, फिर उनको लगेगा अरे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में फलाने गांव में हो गया, चलो अपने गांव में भी कर सकते हैं। ये अगर हम परंपरा बनाए, मुझे विश्वास है कि ये जो 115 डिस्ट्रिक्ट हमने टारगेट किया है, अभी एक विषय आया इंफ्रास्ट्रक्चर का, अभी बस यही है कि मांग रहती है रोड बनाओ रोड बनाओ रोड बनाओ, कभी बजट का कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन अगर आप उनको जिम्मेवारी डालो भाई रोड बनाएंगे, लेकिन हम उस पर आज एक लाइनिंग करके दे देते हैं कि रोड बनेगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन रोड तब बनेगा जब आप रोड के दोनों किनारे पर पैड लगाएंगे, और पैड जब 5 फीट का हो जाएगा आपका रोड पक्का बन जाएगा। आप देखिए गांव वाले जिम्मेवारी लेंगे, रोड के बगल में अभी से वो पैड लगाना शुरू कर देंगे, और बाद में आपको रोड का काम करना है तो मनरेगा से काम शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे। उनके एस्पिरेशन और सरकार की योजना, इन दो का मिलन बिंदु उनकी भागीदारी होना चाहिए। जितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ती है उतनी सरलता बढ़ती है। और एक समस्या रहती है, एकांत अफसर हमारा बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत ही डायनेमिक होता है, और हर बार नई नई चीजें करता है, लेकिन वो जाता है तो चीज उसके साथ चली जाती है।
और ज्यादातर राज्यों में दुर्भाग्य से एक प्रकार की जो स्टेबिलिटी चाहिए वो कम होती है, कभी एक साल में ट्रांसफर हो जाती है, कभी डेढ़ साल में ट्रांसफर हो जाती है, तो ये एक चिंता का विषय रहता है। खैर, जैसे ही परिणाम मिलेंगे तो उसके भी कोई ना कोई रास्ते खोजे जाएंगे, लेकिन अगर हम टीम फॉर्म करते हैं, हम लीडरशिप हमारे पास हो या ना हो, जो भी आएगा, ये टीम अच्छी होगी, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, रोडमैप क्लियर होगा, मॉनिटरिंग की सिस्टम होगी, टाइम फ्रेम में काम वर्कआउट किया होगा, आप अपने आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इन परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में मैं समझता हूं हम लोगों ने प्रयास करने चाहिए। आप इस जिस उमंग और उत्साह से मैं देख रहा था, आप इसको बहुत भली भांति कर सकते हैं। आपको अंदाज नहीं है कि जिस समय ये 115 डिस्ट्रिक्ट इस एक जो लेयर उनके ऊपर बोझ बन चुका है, इससे सर उठाकर के बाहर निकल जाएंगे, फिर वो कभी रुकेगा नहीं। आपने भी देखा होगा हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी हैं कि जहां एकाध कानून बन गया और बाद में वहां ऐसा मोड़ आ गया कि उस पूरा इलाका डेवलप हो गया। देखा होगा आपने कई ऐसे हिंदुस्तान में आपको 50-100 जगह मिल जाएगी कि अचानक डेवलप। आप एक बार कहीं इस प्रकार से आप ब्रेक थ्रू करेंगे, आप देखिए चीजों को, एक बार 115 है, अगर 10-10 कदम भी आगे बढ़ जाए, आप कल्पना कर सकते हैं देश के सारे हिसाब किताब कितने बदल जाएंगे। फिर सरकारों को भी लगेगा बजट देना है तो यहां दो, प्रायोरिटी यहां दो। कभी कभार मनुष्य का स्वभाव है कि हम ट्रेन में ही जाएं, आरक्षण हो, लेकिन मन करता है कि खिड़की वाली सीट मिले तो अच्छा है, हवाई जहाज जाए पैर खिलाने की जगह नहीं तो मन करता है एल सीट मिले तो अच्छा होगा, जरा पैर लंबा कर सकते। मनुष्य का स्वभाव रहता है और वो बुरा है ऐसा मैं नहीं मानता। जब आपका भी पोस्टिंग होता होगा तो हर राज्य में 3-4 डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे होंगे, 3-4 डिस्ट्रिक्ट बहुत बुरे होंगे, और जिस दिन पोस्टिंग होगा तो आप ही के दोस्त हैं, अरे यार मर गया, चल यार कोई बात नहीं, चिंता मत कर, 6-8 महीना निकाल देना कुछ, यानी वहीं से शुरू हो जाता है। मैं ये सोचता हूं कि जो डेवलप डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 2.5 लाख चल रही है गाड़ी, वहां जाकर के एक युवा अफसर कभी भी अपनी जिंदगी को तराश नहीं सकता, फिर वो एक घरे में ढल जाता है और फिर आगे वैसा ही उसका गुजारा चल जाता है। लेकिन एक डिफिकल्ट टेरेन में जो पहुंचता है, जो जद्दोजहद करता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, मैं समझता हूं शायद कुछ साल के लिए अपने साथियों की नजरों में बुरा पोस्टिंग है, डिग्रेडेशन लगता होगा, लेकिन जब जिंदगी का हिसाब लगाएगा तो उसको लगेगा कि मेरी जिंदगी में ये जो डिफिकल्ट टाइम था उसने ही मुझे तराशा, उसी ने मुझे बनाया, जिसने मुझे जिंदगी जीने की ताकत दे दी। आप जितने भी बड़े अफसर होंगे देख लीजिए, कभी उनसे बात करेंगे तो आपसे उनको पता चलेगा कि भाई ठीक है आप मेहनत की, एग्जाम पास कर लिए, मसूरी हुआ, ट्रेनिंग हुई, काम में लग गए, लेकिन जिंदगी में आप जो यहां तक पहुंचे हो, इस लगन से काम कर रहे हो, कारण क्या, तो बताएगा कि मैं नया नया डिप्टी कलेक्टर था तो वहां गया था, वहां में रह के ऐसा अनुभव आया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जितने भी बड़े लोग हैं उनकी जिंदगी में ऐसी बातें अक्सर देखी जाती है, और वो लोग जो जीवन के प्रारंभिक काल में एक प्रकार से गोल्डन स्पून लेकर के पैदा होते हैं, उनको पोस्टिंग अच्छी मिल जाती है, बंगलो भी बहुत बढ़िया होता है, 2 एकड़ की भूमि वाला बंगलो होता है, बाप मजा हो जाता है, उसको बाद में कठिनाइयां झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो इजी गोइंग ढूंढता रहता है, फिर अपने आप को गुजारा कर लेता है। मैं समझता हूं जिनके जिम में 115 कठिन डिस्ट्रिक्ट है, मैं उन्हें भाग्यवान मानता हूं,
तो उनको जीवन में संतोष पाने का अवसर। जहां अच्छा है वहां अधिक अच्छा कोई नोटिस नहीं करता है, अच्छा है वहां अधिक अच्छा आपको भी रात को चैन की नींद नहीं देता है। यार चलता था वो तो पहले भी था, लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां रेगिस्तान में एक पौधा भी अगर कोई उगा देता है उसको जिंदगी का एक संतोष मिलता है। आप वो लोग हैं जिनको वो चुनौतियां मिली हैं, जिसमें वो सामर्थ्य पड़ा हुआ है, जिस सामर्थ्य से आप एक नई परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और आप खुद अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं कि मैं यहां से शुरू किया था मैंने यहां पहुंचा दिया। चुनौतियों की अपनी एक ताकत होती है और वो मैं उन लोगों को कभी भाग्यवान नहीं मानता हूं जिनके जीवन में कभी चुनौतियां ना आई हो। जिंदगी उन्हीं की बनती है जो चुनौतियों से लोहा लेने का सामर्थ्य रखते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी जिंदगी में कसौटियों से गुजरते रहना ये जिंदगी को संवारने के लिए बहुत काम आता है। और मुझे विश्वास है कि आपने स्वयं में होकर के जिस प्रकार से मनोयोग से जो मैं अनुभव कर सकता हूं कि एक पॉजिटिविटी का इस कमर में प्रवेश होते ही फील कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत के भरोसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम जनवरी में बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के इस भवन में चर्चा कर रहे हैं, 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जयंती का पर्व होता है। क्या हम एक टाइम टेबल 14 अप्रैल तक का बना सकते हैं क्या? 14 अप्रैल तक का 3 महीने का मॉनिटरिंग और हम देखें 115 डिस्ट्रिक्ट में कौन कहां पहुंचा है। और मेरा मन करता है कि उस रिजल्ट के आधार पर मैं एक डिस्ट्रिक्ट में जहां जो 115 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से एक जो अच्छा कर गया है, अच्छा है और कुछ अच्छा कर लिया वो नहीं है, लेकिन सच कुछ बस सारी कसौटियों से, तो मैं चाहूंगा कि अप्रैल महीने में उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के उसी टीम के साथ कुछ घंटे बिताऊं, उन्होंने कैसे अचीव किया उसको मैं खुद समझूंगा, मैं खुद इसको सीखने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमें 3 महीने का, तो जिसमें टेकऑफ ये सारी व्यवस्थाएं तो है ही है, ऐसा नहीं कोई नई चीज ला रहे हैं, इसको एक नई ताकत देनी है, नई ऊर्जा देनी है, जन भागीदारी लानी है, नए प्रयोगों को करना है। और मैं चाहूंगा कि उसके बाद इसको मैं एक रूटीन अपने कार्यशैली का हिस्सा भी बना सकूं। मुझे विश्वास है देश आगे बढ़े, देश प्रगति करे, देश बदले, देश के सामान्य मानवीय की जिंदगी बदले, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं न कहीं छोटी इकाई के परिवर्तन से होती है। उन सबकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है जो देश बदलता हुआ दिखता है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वो एक कैटलिक एजेंट है और आप वो लोग हैं जो चेंज एजेंट के रूप में इसको लीड कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये विजन, ये सामर्थ्य, ये संभावनाएं नई सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और 2022 भारत की आजादी के 75 साल, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प, देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प, इसको लेकर के चले। हम ब्यूरोक्रेटिक वर्ल्ड में बड़े बड़े अफसरों की कथाएं सुनते रहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ फलाने अफसर थे, उनके जमाने में ये हुआ, देश को ये मिला, पंडित नेहरू जी के जमाने में ये अफसर थे, उन्होंने ये काम किया, ये मिला, फलाने समय वो अफसर थे, ये काम करके गए। बड़े बड़े अफसरों की चर्चा अक्सर हम सुनते हैं, उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि उन्होंने नए नियम कैसे देश को दिए, नई दिशा कैसे दी, कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कोई कोई उनका योगदान आज भी इतिहास की में गवाह के रूप में हमारे सामने है, लेकिन बहुत कम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बातें हैं जो उजागर होती है। वहां भी तो कोई अफसर है जिसने अपनी जवानी खपाई है, जिसने बदलाव लाया है, और ये मूलभूत बदलाव है, वही तो दुनिया बदलता है। मैं चाहता हूं कि हमने 70 साल तक बड़े बड़े अफसरों की, बड़े बड़े योगदान की बहुत बातें सुनी हैं, बहुत प्रेरणा पाई है, आगे भी मिलती रहेगी, जरूरी भी है, लेकिन समय की मांग है कि डिस्ट्रिक्ट से आवाज उठे,
सक्सेस स्टोरियां वहां से निकले, अफसरों की कथाएं सुनने को मिले, उनके जीवन की बातें सुनने को मिले। मैं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहा, उसकी शुरुआत तक तो समय मिलता नहीं है मुझे, लेकिन जिस कालखंड में ये दुनिया चली मैं काफी इन्वॉल्व था। ठीक है, अभी दो दिन पहले मैं ऐसे ही सर्फिंग कर रहा था, मैंने एक लेडी अफसर का ट्वीट देखा, आईएएस अफसर का, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब तो वो सीनियर अफसर हो गई हैं, उनकी खुद की फोटो भी है और मैं नाम भूल गया उनका। उसने लिखा कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा संतोष का पल है। क्यों? तो उसने लिखा है कि मैं जूनियर अफसर थी, एक बार कार से जा रही थी तो स्कूल के बाहर एक बच्चा भेड़ बकरी चरा रहा था, तो मैंने गाड़ी खड़ी की, स्कूल के टीचर को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को एडमिट कर दो स्कूल में, और उस बच्चे को भी मैंने जरा समझाया, डांटा, जो भी किया, तो बच्चा स्कूल गया। बोले 27 साल के बाद आज मेरे दौरे के दरमियान एक हेड कांस्टेबल ने मुझे सैल्यूट की और बाद में बताया, मैडम पहचाना, मैं वही हूं जो भेड़ बकरी चराता था और आपने मुझे स्कूल पहुंचाया था, मैं आज यहां पर। उस अफसर ने लिखा है ट्वीट में, उसने लिखा है कि एक छोटी सी चीज कितना बड़ा बदलाव करती है। हम लोगों की जिंदगी में अवसर मिले, इन अवसरों को हम पकड़े। ये देश हमसे बहुत अपेक्षाएं कर रहा है, ये देश कुछ भी बुरा हो जाए तो आज भी कहता है शायद ईश्वर की यह मर्जी थी। ऐसा सौभाग्य दुनिया में किसी भी सरकार को वहां की जनता से नहीं मिलता होगा जो हम लोगों को मिलता है, कि आज भी वो अपने नसीब को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है, हमारे तरफ कभी उंगली नहीं उठाता है। इससे बड़ा जन समर्थन क्या हो सकता है, इससे बड़ा जन सहयोग क्या हो सकता है, इससे बड़ी जन आस्था क्या हो सकती है, अगर इसको हम न पहचान पाए, अगर इसको हम न बुना पाए और न हम अपने जिंदगी उसके लिए खपा पाए, तो शायद जिंदगी का एक वो दौर आएगा जब हम अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसलिए दोस्तों 115 डिस्ट्रिक्ट देश के भाग्य बदलने की धुरी बन सकते, नए भारत के सपनों की एक नींव, मजबूत नींव वहां से खड़ी हो सकती है, और वो काम आप सब साथियों के पास है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बहुत बहुत धन्यवाद।